जय गुरु जी तो शुक्राना सबसे पहले गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं कम है कि उन्होंने मुझे अपने चरण शरण में लिया एंड uh, फिर जो मुझे बड़े मंदिर लेकर गए वो मेरे चाचा जी तो शुक्र थैंक यू तो चाचा जी जो मुझे फर्स्ट टाइम 2012 में जब मैं यूएस इंडिया विजिट कर रही थी तो वो मुझे बड़े मंदिर लेकर गए एंड सो आई विल स्टार्ट माय जर्नी एंड just my introduction I I I am from Los Angeles and I have uh, been brought up in Delhi but I got married जस्ट माई इंट्रोडक्शन आई एम फ्राम लॉस एंजलिस एंड आई है समय में इंडिया गई सो so, uh, मेरे चाचा जी ने मुझे बोला कि यहाँ पे गुरुजी कैसे हैं और थोड़ा सा बोला बट तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वेंट टू बड़े मंदिर एंड बट इट was नाइस nice, सब अच्छा लगा बट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं हुआ मतलब कि कनेक्शन वाला जो कहते हैं बट फिर भी कुछ तो था ही कि जब 2014 में भी इंडिया गई 2012 के बाद तब भी बड़े मंदिर गई देन 2015 के समर में भी जब इंडिया गई तब भी बड़े मंदिर के चक्कर लगे एक दो दो तीन जो भी एंड बट uh, वैसे वाला कनेक्शन नहीं था बट आई गेस कि गुरुजी ने तो कब से पता नहीं हम कब से चरण शरण में हैं बट टू uh, से तो मैं उन्होंने मुझे अपने उसमें ले ही लिया था सो so, फिर जब एक बार यहाँ पे दिसंबर ऑफ 2015 मैं किसी बात से कोई परेशान थी एंड आई स्टार्टेड समहाउ रीडिंग अबाउट गुरुजी ऑन द इंटरनेट यू नो बट जब ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था बट स्टिल आई वाज रीडिंग एंड उसमें मुझे पढ़ने के साथ मालूम पड़ा कि ड्रीम uh, के बारे में सो so, मैंने कभी ऐसे आई हैव ऑलवेज बीन अ रिलीजियस पर्सन तो मैंने कभी ऐसे uh, भगवान से जिद नहीं की जैसे बट पता नहीं उस रात को मुझे क्या हुआ कि मैं गुरु जी को ऐसे एक से बोलने लग कि, आज आपको मेरी ड्रीम में आना ही आना है आना ही आना ही है मतलब जैसे एक किस्म का जिद सी लगा ली भगवान गुरु जी से कि आपको आज मेरी ड्रीम में आना है क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ लिया था और मैं बहुत अंदर से किसी बात से परेशान थी सो so, ड्रीम में आए आया मुझे ड्रीम एंड ड्रीम uh, में जबकि मैंने मैं साई बाबा का ऐसा कभी मैंने बहुत ज्यादा नहीं हुआ मेरे साथ फॉलो नहीं किया बट सरप्राइजिंगली मेरी ड्रीम में साई बाबा आए एंड साई बाबा बैठे हुए ड्रीम में दिखे मुझे बैठे हुए एंड हेज मूविंग इज लाइक साई बाबा इज मूविंग इज हेड फ्रॉम वन शोल्डर टू दी अनदर जैसे कहते हैं ना हाँ ठीक है किसी को एक्शन में कहेंगे हाँ ठीक है तो ऐसे साई बाबा अपना हेड मूव कर रहे हैं कि हाँ ठीक है और ड्रीम में ही मैं आ, अपने आप को बोल रही हूँ कि मैंने तो गुरु जी का ड्रीम कहा था तो गुरु जी तो दिखे नहीं और साईं बाबा दिखे हैं तो ये क्या है तो बस ये ड्रीम में भी बोल रही हूँ तो सुबह उठ के मैं कह रही हूँ अच्छा गुरु जी आप तो ड्रीम में आई नहीं हो आ, आप आना मुझे आप आना फिर से उनको ऐसे बोलने लग गई फिर अगले दिन मुझे ड्रीम में गुरुजी आए गुरुजी की आवाज आई एंड उनका मतलब शक्ल नहीं दिखी उनका बस आवाज आई और उन्होंने बोला जा लंगर खा एंड uh, उसके थोड़े दिनों के बाद ही यहाँ पर एक मैंने यूएस uh, में फर्स्ट सत्संग पे जाना था सो so, मुझे लगा चलो अभी ये हफ्ते दस दिन के अंदर यहाँ पर एक सत्संग है वहां पे जाके गुरु जी का लंगर खाऊंगी एंड दिस वे बिल्कुल जैसे गुरु जी ने चाहा वैसे मेरी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्लिसफुल जर्नी विद गुरु जी महाराज स्टार्ट हुई और जब मैंने स्टार्ट किया जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना भी था आई वॉज फॉलोअर बिग टाइम फॉलोअर ऑफ शिव जी एंड माता रानी एंड मैंने किसी फ्रेंड को ही बोला था कि हाँ ह्यूमन बॉडी में मैं किसी को भगवान नहीं मान सकती हूँ और थोड़े दिनों के बाद ही मेरा एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया गुरुजी ने एंड uh, तो uh, मैंने सोचा था नहीं ह्यूमन ऐसे नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी ह्यूमन फॉर्म में किसी को इतना अपना भगवान मान कर लूंगी जैसे मतलब बट uh, अभी ऐसा है कि लाइक लाइक इज़ बी ऑल ऑल एंड लाइक नथिंग नथिंग अदर थिंग मैटर्स टू मी अदर देन गुरु जी सो एंड like like, so, फिर मुझे गुरु जी का एक पहला स्वरूप मिला जो फर्स्ट सत्संग गई तो मैंने उसको फ्रेम करके अपने मंदिर में रख दिया बट जब मैंने मंदिर में रखा तो मैंने अब जैसे मेरे वॉल पे साथ लगाया तो शिव जी और माता रानी की मूर्ति के पीछे रखा एंड uh, मैं जब पूजा करने जाऊं कुछ करूं और मैं जो जगा रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ और मैं देख गुरु जी को रही हूँ और मैं पाठ कोई शिव चलीसा का करी या दुर्गा चलीसा का करी तो मैंने मन में कहा कि मैं ऐसा क्या करी पाठ तो वो कर रही हूँ और देख गुरु जी को रही हूँ बट देन मैंने उनको स्वरूप हटा के राम जी दरबार के पीछे रख दिया कि मेरा वहीं जा रहा है। बट उनके अंदर हम सबको पता है कि इतनी है गुरुजी कि अट्रैक्शन है में जब वो चाहें तो वो एक बिल्कुल मैग्नेट की तरह अपनी तरफ हम सबको जैसे मतलब पुल कर लेते हैं यू you नो know? तो तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बट uh, uh, मैं एक वैसे ही जनरली बात बताती हूँ कि सब ऐसा कोई सब जब संगत जुड़ती है ऐसा ना ही सोचना चाहिए कि गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं तो कोई दुख नहीं है या दुख हर लेंगे या तो हमारी लाइफ ऐसे हो जाएगी जो भी दुख है जो भी प्रॉब्लम है जो भी अनप्रेजेंटनेस हमारी लाइफ में है वो हमारे मेरे मेरी अपने और बाकियों के हमारे प्रीवियस कर्म के पीछे वजह से है और वो तो गुरु जी इतने दयालु इतने कृपालु हैं कि वो हमारे बुरे कर्मों की के बावजूद हमें अपनी मतलब छत्रछाया के अंदर रखते हैं जिससे कि हमें उन सबको गो थ्रू करने में वो हमें हेल्प करते हैं और ऐसे ही बस शुरुआत होगी गुरुजी के साथ जर्नी तो मैं अपना वैसे पहले का सत्संग शुरू करती हूँ कि जब मैं ऐसे सत्संग शुरू जब मैं ऐसे सत्संग सुने मैंने कुछ कुछ YouTube पे जब मैं स्टार्ट हुई तो मैंने कहीं पर पढ़ा कि गुरु जी कभी अपने हाथ से किसी को प्रसाद अपना चखा हुआ दे देते थे और तो मेरे को सबको अपना प्रसाद दे देते थे तो मुझे भी बहुत मन है खाने को ऐसे मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा हुई एंड देन गुरु जी ने फिर एक बारी मुझे ड्रीम में दर्शन देकर अपना चखा हुआ प्रसाद दिया एंड जो अपना चखा हुआ था तो जब गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई तो एक बात पक्की थी कि पता नहीं था गुरु जी के बारे में ज्यादा अभी भी नहीं पता किसी को हम सबको हम सब सी, समझ समझ कभी नहीं सकते बेसिकली बट सम फर्स्ट टाइम आई फेल दैट माई सोल लाइक इट हैज लाइक कम होम यू नो लाइक दिस इज वेयर आई बिलोंग लाइक दिस इज इट नाउ अब यहां से और कहीं नहीं जाना है सो दिस इज नॉट माई सोल टोल्ड मी and I was able to realize it later, but I knew कि मुझे कुछ पुल थी कि जाना ही जाना है बस यहाँ पे जाना ही जाना है so ऐसे करके हुआ मैं एक अपना जैसे एक गुरु पूर्णिमा के रिलेशन में सब संघ शेयर करती हूँ तो जैसे मैं आ, हमेशा से रिलीजियस माइंड की रही तो मेरे को जब मैं अनमेरिड भी थी मंदिर बहुत जाती थी तो मेरे को हमेशा से एक गुरु पूर्णिमा तब आती थी मंदिर में तो मंदिर उस दिन बहुत खाली खाली होता था सारे लोग गए होते थे अपने गुरु के पास तो मेरे को लगता था अरे मेरे पास तो कोई गुरु है नहीं और इतना मुझे था मन में पता था सुना था समझ भी आ गई थी कि गुरु बिना गति नहीं होती तो मैं कहती थी पता नहीं कब मुझे कोई गुरु जी मिलेंगे या जैसे भी बट और कुछ इसके अलावा नहीं सोचा किया एंड देन शादी हो गई तो शादी की जब हो गई तो मेरे को लगा लो अब तो मैं यूएस जा रही हूँ तो वहां पे अब से गुरु मिलेंगे और मेरे सारे तीर्थ स्थान भी छूट गए मेरे सारा ये भी छूट जाएगा ऐसे करके मुझे बहुत फीलिंग हुई बट uh, जब गुरु ने अपने शरण में लेना था उन्होंने लिया एंड uh, so जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो जब 2016 में गुरु पूर्णिमा आई फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी से जैसे होने के बाद तो uh, गुरु पूर्णिमा का uh, उस दिन जब सत्संग था तब तो हमारे एरिया में यहाँ पे सत्संग नहीं होते थे हमें लाइक like, 75 80 माइल्स

9th uh, जुलाई को थी as we all know 7th जुलाई इज गुरुजी का बर्थडे सो 7th जुलाई को हम ऑलरेडी इतने दूर गए थे हम रात को आ, घर आते आते हमें मतलब हम जहाँ पे संगत गई थी इकट्ठे यहाँ पे एक बज गया था आराम से एक डेढ़ बज गया था घर आते आते सो so, मेरे को हिम्मत नहीं थी कि मैं एक दिन के बाद दोबारा से बोलूं कि मैं इरवाइन मतलब सॉरी इतने दूर जाऊंगी दोबारा से सत्संग सॉरी सत्संग करने तो मैंने अपने घर पे जुलाई जुलाई को को सत्संग का रखा एंड जब मैं को लेट आई थी तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा डांटा था कि इतनी लेट आने का क्या मतलब है ये इतना लेट हो गया एंड ऑल दैट स्टफ यू नो तो फिर 9 जुलाई जब गुरु पूर्णिमा थी उसमें जब मैंने मेरे घर पर सत्संग था थोड़े से ही संगत थी तो उसमें जैसे भी दरबार का सेटअप था मैं जहां बैठी थी मेरे हस्बैंड कहीं और बैठे थे बट मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दर्शन दिए इस तरह से कि उनको मेरे हस्बैंड को दिखा कि मैं गुरुजी के बिल्कुल गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ सिर झुका के जबकि मैं बिल्कुल डिफरेंट अलग डायरेक्शन में बैठी हुई थी और गुरु जी की मेरे हस्बैंड को आवाज आई कि इसको मेरी पूजा करने से रोमा को मेरी पूजा करने से मत रोकना तो मतलब गुरु जी ने एक किस्म से को, मतलब वो कर दिया। दो, दो दिन पहले जो उन्होंने बोला है, तो ऐसे करके फिर उसके बाद 2018 का गुरु पूर्णिमा आया फिर 2019 में जब गुरु पूर्णिमा so बड़े मंदिर एंड नो uh, कि बड़े फंक्शन बड़े मंदिर में कितना ज्यादा भीड़ और सब कुछ होता है सो हैड गॉन विद माई चाचा जी टू तो बड़े मंदिर uh, 2019 गुरु पूर्णिमा एंड कमिंग आउट ऑफ बड़े मंदिर So, uh, मुझे एक कोई संगत सेवा सेवादार आंटी बाहर की तरफ दिखी उन्होंने अपने बालों में गुरुजी के कुछ फूल लगाए हुए थे तो उनको कर चमेली के फूल तो उनको देख के एकदम से आया हाय गुरुजी मुझे भी दे दो अपने चरणों के फूल तो एकदम से इतना बोलकर ही मैंने कहा ओ oh, नहीं नहीं, नहीं सॉरी गुरु मांगना नहीं है जब जैसे आपकी मर्जी जब आप मुझे इस लायक समझोगे इतना कहकर हम निकल गए मनी मन में बोला और हम शटल के लिए हम एक्चुअली मंदिर के ऑपोजिट डायरेक्शन जो गांव वाला साइड है उस तरफ हमारी गाड़ी पार्क थी तो वहां पे लाइन में लगे हुए थे एंड इतनी लंबी लाइन थी शटल के लिए जो आगे पार्किंग में लेकर जा रही थी एंड uh, कैसे गुरु जी एक मिनट में सुनते हैं और जैसे करते हैं तो एक कोई सेवादार अंकल आउट ऑफ द ब्लूज मतलब अचानक से आए और इतनी भीड़ थी इतनी संगत थी उसमें बस मेरे पास आ गए और उनके हाथ की मुट्ठी बंद थी तो उन्होंने मुट्ठी मेरे आगे रखी कि ले लो और मैंने हाथ अपने हाथ खोले कि जो भी दे रहे हैं और उसमें गुरु जी के चमेली का फूल था और उन्होंने कहा ये जो शिव जी की बड़ी बड़ी मूर्ति है बाहर उनके चरणों का फूल है सो कैसे गुरु जी ने मतलब मेरी छोटी सी इच्छा को इतनी करके मेरी बात को जैसे पूरा किया यू नो सो ऐसे करके uh, बस चलता रहा सत्संग तो ऐसे होते रहते हैं बहुत सारे तो एक बार फिर टू जून में मुझे एक मुझे बहुत ज्यादा मन था क्योंकि तो होता है गुरु जी मंत्र गुरु अपना मंत्र देते हैं कोई तो बट यहाँ पे मंत्र जाप में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय चलता था हमेशा हर जगह वही चलता था बट मेरे मन में था कि मैंने बैम्बी आंटी की बुक में पढ़ा था कि गुरुजी के टाइम पर केवल ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की लाइन होती थी तो बट मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं किसी से बात करूं मैं कहा कर सब लोग मुझे डांट देंगे अगर मैं ऐसी बात भी पूछूंगी किसी से बट उसके बाद क्या हुआ मुझे टाइम एंड अगेन मेरे सामने बार-बार कभी फेसबुक पे कभी व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी मेरे सामने वो ये वाली बम्बी आंटी की बार-बार Uh, ये पैराग्राफ या आने लग कि गुरु जी के टाइम पर ये शिवजी ए ओम शिवजी है चलता था तो जब ये बार बार आने लग गया तो मेरे मन में ऐसा आया कि गुरु जी uh, मैं किसी से पूछ तो नहीं सकती हूँ कोई भी मुझे बहुत डांटेगा आप ही मुझे बताओ कि uh, कौन सी लाइन मेरे को बोलनी है क्या मंत्र है ऐसे करके मैं गुरु जी से बार बार प्रेयर करने लग गई एंड सॉरी जैसे मैं गुरुजी से बार बार प्रेयर करने लग गई एंड uh, उसके बाद uh, अचानक से एक दिन में uh, तब मुझे इतनी अक्कल नहीं थी कि जो गुरुजी के दर्शन हो ड्रीम हो तो वो लिख लू मैं नोट कर लू तो uh, तब गुरु के दर्शन हुए ड्रीम में और उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ ना बट याद नहीं उन्होंने मुझे इतना बोला कि अगर uh, 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 मंत्र बोलना हो तो ओम नमः शिवाय uh, शिवजी सदा सहाय और उन्होंने दूसरी लाइन नहीं बोली और उन्होंने बोला जाप करना हो तो ओम नमः शिवाय ऐसे उन्होंने मतलब बोला मतलब ऐसे मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं आया समथिंग लाइक ये बोला ओम शिवाय शिवजी से हसा है आपने ये नहीं बताया कि सेकेंड लाइन में क्या बोलना है शिव जी से है या गुरु जी से है और मेरे को अगेन डर इतना था कि मैं किसी से ये बात भी नहीं मतलब नहीं पूछ सकती थी तो मैंने इतने महीनों तक ये बात अपने अंदर ही रखी और किसी से शेयर नहीं की बट देन सरप्राइजिंगली जो बम्बी आंटी हैं हम सब जानते हैं उनको उनकी एक रियल सिस्टर थी गिगी uh, वो हमारे घर के बस 10 मिनट दूरी रहती थी तो मेरे घर पे जब फर्स्ट सत्संग हुआ था तो शी हैड कम एंड शी वाज शेयरिंग सम सत्संग्स अभी गिगी जी इस दुनिया में और नहीं है बट uh, उनसे रिलेटेड है ये इसलिए मैं उनका नाम लेकर बता रही हूं तो uh, गिगी जी ने ऐसे शेयर किया जो बम्बियांटिक सिस्टर हैं समथिंग इट वाज अ बिग सत्संग समथिंग रिलेटेड टू ओम नमः शिवाय शिवजी का है एंड शी बीइंग अ सरदार आल्सो शी सेड आई यूज दिस एंड स्पीक दिस सो मुझे लगा अच्छा ये तो ऑलमोस्ट मेरी जैसी बात कर रही हैं तो मैंने सोचा इनसे बात करूंगी बट उसके बाद उनकी थोड़े दिनों में ही शी पासड अवे सो आई कुड नॉट टॉक टू हर देन मैं एक बड़ी फिर uh, किसी वो भी अलग सत्संग है बट एनीस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा <laughs> तो मैं किसी और आंटी को मेरा ड्रीम आया हुआ था कि मैं उनके सत्संग में गुरुजी ने कहा था रोमा की हेल्प रोमा को बोलना हेल्प करे तुझे तो मैं उन आंटी के घर सत्संग पे हेल्प uh, करने के लिए गई हुई थी uh, सेवा करने के लिए तो वहां पे uh, यहाँ पर हमारे uh, अलका आंटी रहते हैं तो वो आए हुए थे तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला हम सेवा कर रहे थे तो उन्होंने बोला आप अपना कोई सत्संग शेयर करो कुछ बताओ आप तो मैंने उनको ये वाला जो ड्रीम था गुरु जी का मंत्र वाला बताया तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने कहा uh, मुझे पता नहीं उन्होंने एक ही लाइन बोली तो एकदम से अलका जी बोली कि कि हिमसेल्फ केम टू यू एंड टोल्ड यू इट इज अ वेरी बिग थिंग ही गेव यू द आंसर कि आपको तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा तो आई वोज लाइक या ये दिमाग में मेरे बात आई नहीं कि उन्होंने गुरु जी ने ऐसे बोल दिया फिर उसके बाद से आ, मेरे घर में जब भी गुरुजी सत्संग करवाते हैं तो मैं बीज मंत्र ही चलाती हूँ और यही जाप करती हूँ तो कैसे गुरुजी ने मेरी आ, मेरी एक प्रेयर सुनकर उन्होंने ड्रीम में मुझे आकर क्लैरिफाई किया सो दिस इज अगेन वन थिंग एंड देन 2016 में Uh, मैं अपनी दोपहर को अपने बेटे को स्कूल लेने जा रही थी अक्टूबर की बात है नवरात्र टू फास्ट नो एंड अपन द स्कूल एंड आई वॉज ड्राइविंग ड्राइविंग एस यू वी विच वॉज अवी ड्यूटी एस यू वी एंड मुझे बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ आई वॉज हिट थ्री टाइम्स आई वॉज फर्स्ट हिट बाई दैन ऑन द

रिलेशन में आगे का एक सत्संग है बट वो मैं साथ ही ने शेयर कर देती हूँ सो इनिशियली जब मैं बैम्बी आंटी की बुक पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बैंबी आंटी ने एक uh, अपने लिखा हुआ है, रोमा का नाम यू नो सो जब मैंने रोमा का नाम उसमें बैम्बी आंटी की बुक में पढ़ा तो मैं ना ऐसी बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह गुरु के पास कोई रोमा आंटी थी एंड uh, एक सेकेंड सॉरी शंकर जी हेलो हाँ जी ओके okay. तो बैंबी आंटी की बुक में रोमांटिक का नाम पड़ा और ये तो बिल्कुल जैसे कहते ना मतलब कि वो बिगाने की शादी में अब्दुल दीवाना वाली बात आई नो वो रोमांटिक कोई और थी बट मैं रोमा के नाम से ही खुश होगी कि चलो गुरुजी के पास रोमा आंटी थी देन फिर कभी वो जो जनरल कपूर अंकल हैं जो उनकी डॉटर है आरती कपूर आंटी एक बार उनका सत्संग सुन रही थी तो एक बारी उनका सत्संग सुन रही थी आ, तो उन्होंने I'm sorry, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया तो उन्होंने एक बारी ऐसे करके बोला कि वो एक बारी अपने मतलब वो आरती आंटी अपने बर्थडे पे गुरुजी को मिलने गई एंड शी took some chocolates for guru ji एंड जब उन्होंने आरती आंटी ने वो चॉकलेट्स गुरुजी को दी तो गुरुजी ने वो बॉक्स चॉकलेट्स लेकर तो आरती आंटी कहती उनके साथ ही में रोमा आंटी बैठी थी तो उन्होंने वो चॉकलेट्स रोमा आंटी को दे दी जब ये मैंने बात सुनी आई वॉज लाइक ओ वाओ एंड गुरुजी ने रोमा आंटी को चॉकलेट दे दी एंड एनी वन नोज मी नोज दैट आई एम लाइक totally crazy for chocolates. so मैं इसी बात से अब बहुत खुश होने लग गई देन फिर जूम पे जब uh, जब कोविड हुआ जूम पे सत्संग शुरू होने लगे तो एक जसपाल अंकल है ये भी ओल्ड संगत है वो भी कोई सत्संग शेयर कर रहे थे एंड ही सेड कि मेरे को मन था गुरु जी के आगे खड़े होकर सत्संग शेयर करूं ये मेरे मन में ही था और गुरु जी ने उस जसपाल अंकल को बोला कि तुम uh, सत्संग लिख कर रोमांटी को दे दो अपना लिख कर दे दो सो so, तब मैंने रोमांटी का नाम सुना आई वॉज लाइक वाह मैं ऐसी बस खुशी होने लग गई देन uh, फिर अगेन कोविड में ही जो एक वरुण अंकल है हम सब ने शायद उनके सत्संग सुने हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में सत्संग किए थे तो वरुण अंकल ने सत्संग शेयर किया तो उसमें उन्होंने एक दिन ऐसे बोला जो मैं आपको बताया मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था ही जस्ट सेट की एक रोमा आंटी थी तो गुरु ने रोमा आंटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो गुरु ने कहा रोमा को तो मुझे बचाना ही था इतने बड़े एक्सीडेंट से उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं एंड uh, और मेरे भी तो छोटे बच्चे ये बात सुनकर तो मेरे साथ हॉलिडी हो चुकी थी so like, totally oh, wow, like, एंड देन कोई और भी एक ओल्ड संगत से मेरी कभी बात हुई थी uh, तो उन्होंने मुझे कहा कि रोमांटी तो ना गुरु जी की बड़ी प्यारी बात थी तो मैं तब भी बड़ी खुश हुई तो मैंने इतनी बड़ी रोमांटी का नाम uh, सुन लिया तो मैं ऐसे कैजुअली गुरु जी को बोलने लगी लग गुरु जी कौन है रोमांटी इतने सत्संग आ रहे हैं आजकल कोविड में उनका भी कोई सत्संग कौन है वो ऐसे मैंने गुरु जी से लिटरली बातों बातों में ही बोला था एंड संगत जी आप विश्वास करिएगा लिटरली तीन चार या मैक्सिमम पांच दिन के अंदर फर्स्ट टाइम रोमान्टी का सत्संग आया जब लास्ट मतलब यू नो एंड उन्होंने कहा कि मैं ये फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं कभी सत्संग शेयर नहीं करती हूँ सो so, जब उनका सत्संग सुना तो सारा सुना अच्छे से कहा तो उन्होंने ना अपने स्टार्टिंग के जब फ्यू सत्संग किए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे तो उन रोमा आंटी ने ऐसे कहा कि जब गुरु जी से मिली गुरु जी ने कहा क्या नाम है तेरा तो आंटी ने कहा रोमा तो गुरु जी ने कहा रोमा ये क्या नाम है नॉट नाइस nice. अच्छा नहीं है ऐसा तो ये बात सुन के ना आ, हाँ तो ये और, और रोमांटी ने कहा तो गुरुजी आप मेरा नाम बदल दो तो गुरुजी ने कहा बताऊंगा तो ये वाला सेम फ्यू सेंटेंसेस अबाउट रोमा आंटी एंड गुरुजी का एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ये मैंने फ्यू सत्संग में सुना बट इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे को नहीं <coughs> मालूम मैं उन्होंने नहीं शेयर किया था तब तक, तक तो फिर मैंने ऐसे कैजुअली गुरुजी गुरुजी को बोला गुरु फिर आपने क्या उनका क्या किया था नाम का आप पहले मुझे अपना ये सुनकर लगा कि मेरा नाम ठीक नहीं है गुरु ने कहा फिर मुझे लगा चलो ये भी कोई कष्ट होगा जो गुरु ने मेरे खानों में डलवाया काटने के लिए गुरु तो कष्ट ही काटते हैं तो फिर मैंने ऐसे गुरुजी को बोला क्या नाम किया आपने उनका फिर चेंज किया कि नहीं किया से रात को बैठी हुई थी कोविड में उस सारा स्केड्यूल उल्टा सीधा हो गया था तो और रात के तीन चार बज गए थे तो मैं मंदिर से ऐसे उठ के जा रही थी अपने रूम में एंड सडनली मेरे फोन पर एक इंडिया के नंबर का

तो मैंने बोला मैं आंटी मैं तो ना रोम का बारे में बारे भी सुन रही आजकल आजकल ही आ रहे थे उसी टाइम पे आ रहे थे तो गुरु ने उनको बोल नाम मैंने ऐसे ही मंजूपाल आंटी को ये बात फोन पे बोल दी एंड uh, वो एकदम से बोली हाँ गुरुजी ने उनका नाम चेंज करके अरोमा कर दिया था एंड आई लाइक ओ अच्छा वाओ एंड बस उनसे और कोई बात नहीं हुई एंड uh, मेरे को पता गुरुजी ने जैसे आंसर दे दिया कि उनका नाम अरोमा कर दिया था मंजू पाल आंटी से एंड देन आई यू नो जनरली शेयर दिस थिंग विद माय मम्मी एंड माय सिस्टर फोन पर कि ऐसे से ऐसे मम्मा ऐसे ऐसे हुआ